हाय गाइस, मायसेल्फ एसके सिंह, और आज हम लोग क्लास 11th के लिए, क्लास 11th बच्चा अभी बैच खत्म किया 12th का, इसलिए लिखा हुआ था क्लास 11th के लिए नीट एंड आईआईटी का एक चैप्टर का शॉर्टकट में मींस फुल सिलेबस फुल चैप्टर करवाने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का। किसका? ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन में हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि फोर्स एफ इक्वल क्या होता है बच्चा, तो सबको पता था एफ इक्वल कैपिटल जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल जी क्या था बोलो? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सबने पढ़ा था। इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू सिक्स, सबको पता है 6.67 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट थी। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मॉल जी क्या होता है, तो आपने कहा एफ इक्वल एम जी, आपने बोला जी की वैल्यू क्या होती है, आपने बोला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपने बोला ठीक बात। तो बच्चा क्या कि दोनों में रिलेशन निकालिए, तो आपने रिलेशन निकाल दिया एम बी इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर। आपने बोला कि ऑब्जर्व कैसे करते हो, तो हमने भी ऑब्जर्व कैसे कर दिया, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपान आर स्क्वायर। यहां पर स्मॉल जी का खेल, स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन, इतना हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद में हम लोगों ने ऑर्बिटल ब्लास्ट पढ़ा था। ऑर्बिटल ब्लास्ट क्या होता है? जब कोई सैटेलाइट प्लेनेट के अराउंड मूव करता है, तो वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल ब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल ब्लास्ट। बोले ये क्या है, तो हमने बताया था कि बी नॉट इक्वल अंडर रूट जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। अरे बोला ठीक, तुमने बोला ठीक, ये सॉल्व कराया था नेक्स्ट पे। इसके बाद में हमने पूछा आपसे कि यदि हमें एमिना की वैल्यू एमिना पता हो, तो ऑर्बिटल ब्लास्टी में मेरे इस्तेमाल जी पता हो, तो ऑर्बिटल ब्लास्टी का फॉर्मूला क्या होता, तो आपने बोला कोई बात नहीं, हमें पता है कि जी इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर होता है। हमने कहा ठीक बात, तो आपने बोला जी एम ई इक्वल टू जी आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या जाएगा जी आर स्क्वायर, और यहाँ पर जी एम ई अपान आर आया था, आर स्क्वायर नहीं था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था ऑर्बिटल ब्लास्टी का, याद है नहीं याद है, देखो विनाट इक्वल जी एम ई अपान आर, ये आया था। हमने आपसे पूछा कि स्मॉल जी के टर्म में क्या होगा, तो आपने बताया कि सर ये होगा वी इक्वल, आपने बोला कि जी एम ई की वैल्यू क्या आएगी जी आर स्क्वायर, क्या आएगी जी आर स्क्वायर, तो हमने जी एम ई की जगह पुट अप कर दिया जी आर स्क्वायर अपान आर। आपने क्या कर दिया कि आर सर कैसे कर दिया आर, तो हमने बोला कि आर टू प्लास्टिक क्या है, आपने बोला अंडर रूट जी आर, क्या है अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट जी आर। अब रेडियस पता है, एक्सीलरेशन की वैल्यू पता है, यदि आपसे पूछा जाए कि ऑर्बिटल ब्लास्टी की वैल्यू कितनी होती है, ऑर्बिटल ब्लास्टी जो यदि कोई पार्टिकल है या कोई सैटेलाइट है अर्थ के राउंड रिवॉल्व कर रहा है रेडियस पे, तो अर्थ के राउंड समीप रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑर्बिटल ब्लास्टी कितनी होती है। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी बताते हैं आपको, देखिए बच्चा ध्यान दीजिएगा, बीओ इक्वल ऑर्बिटल ब्लास्ट, बीओ मतलब क्या, जी की वैल्यू 9.81 होती है, तो समथिंग 10 सपोज की ये मीटर पर सेकेंड, क्या है मीटर पर सेकेंड, क्या ये मीटर पर सेकेंड, अरे चाहे जी की वैल्यू कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड, अब मीटर को किलोमीटर पर चेंज करो, ये मीटर पर सेकेंड है किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कराएंगे 10⁻³ किलोमीटर मीटर करेंगे 10⁻³, और ये मीटर पर सेकेंड, अब देखो जी को क्या लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान देना
मीटर का आपने किलोमीटर में कर लिया, फिर बात नहीं। सेकेंड स्क्वायर लिखा था, क्या लिखा था? सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो किसका क्या करेंगे? वन सेकेंड में कितने आवर होते हैं? तो बोले कितना, 1/60 कितना होता है? 1/3600 आवर होते नहीं होते, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 36 सेकेंड। अब ये 1/5 सेकेंड, लेकिन अपान सेकेंड लिखा है तो कहाँ जाएगा ये? ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? बोले यार ऐसा 3600 और सेकेंड स्क्वायर लिखा दो बार 3600। बोलो कोई बात समझ में आई? अब कह रहा कि रेडियस कितनी है अर्थ की, आपने बोला 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। आप ध्यान देना, बात समझ में आ? आप ध्यान दीजिएगा, बी नॉटिक का आप कैलकुलेशन करो, पावर दो है और एक पावर तीन, प्लस की थ्री होगी पावर, एक ये भी खत्म, दो ये कैंसिल कैंसिल, तो 36 इसको लिख सकते हैं 36 64 कितने जीरो, दो ये 10^4। आपने इसको बाहर निकाल तो 6 × 6 क्या, ये हम इतना लंबा नहीं करवाएंगे, चलो थोड़ी एक मिनट रुकेगा बच्चा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, एक मिनट देख लीजिए, एक मिनट वन ग्लास। आपके आर्टिकल प्लास्टिक है, वैल्यू फाइंड करनी है, जी की वैल्यू 10 सपोज कर लिया, मीटर में था तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10^3 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो गया? किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रेडियस 6400 किलोमीटर, तो 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो गए, 3 जीरो से कैंसिल, तो बिनार कितना है? 8, क्या आया? 8 किलोमीटर पर सेकंड, बस तब 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारी ऑर्बिटल ब्लास्टिया क्या गई? ऑर्बिटल ब्लास्टिया किस पे? अर्थ सरफेस पे। बात समझ में आई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और बात समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अब आते हैं डिक्रीज होगा, यदि हम ग्राउंड में जाएंगे तो भी डिक्रीज होगा, नहीं देखो, यदि हम अर्थ सर्फेस हो और अबव जाओ तो गैप्रेस एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा, यदि आप ग्राउंड पे आओगे तो इंक्रीज होगा, यदि ग्राउंड से ब्लो जाओगे तो भी डिक्रीज होगा। बस समझ में क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अब कौन कौन? तो चेंज इन गैप्रेस एक्सीलरेशन, तो ड्यू टू एल्टीट्यूड, किसके कारण? ड्यू टू एल्टी एल्टीट्यूड। क्या होता है एल्टीट्यूड? माने होता है हाइट, क्या होता है हाइट, ऊंचाई का, किसपे? ऊंचाई। ये हमारी अर्थ है, क्या अर्थ? इसकी रेडियस क्या है? आर, आर ही नहीं, आर नहीं रेडियस, ठीक है ना? सेंटर ओ, मास क्या है इसका? एम ई। तो बच्चा मास एम ई है, मास कितना है? एम ई। रेडियस आर, और एक पार्टिकल ये है, ठीक? इस पार्टिकल का अर्थ सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना है? जी है, कितना है? जी। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसकी? जी की वैल्यू। यदि हम हाइट पे निकल जाए आर सर्फेस से ऊंचाई पे जी डैश पे, तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन पहले सपोज कर लिया जी, क्या सपोज कर लिया जी, जी। हम लोगों को पता है कि स्मॉल जी इक्वल क्या होता है? जी
एम ई अपान आर स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, कहां पे? एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस है कि नहीं बोलो। स्मॉल इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, किस पे? ये अर्थ सरफेस पर। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट एच हाइट, किस पे? एट एच हाइट, हाइट क्या हो? इक्वल टू जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो जी डैश अपॉन जी इक्वल जीएम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपान जमी अपान आर स्क्वायर। जीएमई जीएमई कैसे सर? ये आर स्क्वायर कहाँ जाएगा? ऊपर। ये कहाँ आएगा? बिलो। तो क्या आया? जी डैश अपान जी कब जीएमई आर स्क्वायर अपान आर आर प्लस एच का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। बोलो ठीक बात सही। हमें क्या निकालना? जी डैश क्या पॉइंट करना? अब अब द सरफेस के ऊपर जी डैश, तो जी को भेज दिया इधर, जी आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बच्चा बोलो बात समझ में? अब आप देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि जी डैश इक्वल जी आर स्क्वायर। यहां पर हमने आर कॉमन लिया तो कैसे कॉमन निकलेगा? आर स्क्वायर के टर्म कैसे कॉमन निकलेगा? आर स्क्वायर के टर्म। तो क्या बचेगा? वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। जी डैश इक्वल क्या? जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं है? बात सुन रहे? तो ये आर स्क्वायर जो बाहर निकाला ये कैसे अपॉन हो गया? देखो जैसे हम यहाँ पे समझा रहे हैं आपको थोड़ा सा, ये देखो यदि आपको कहीं लिखा मिल जाए थ्री एक्स प्लस थ्री, तो आप थ्री कॉमन ले तो आप क्या लिखते हैं? एक्स प्लस वन। ये कॉमन कैसे गया था? जब आपने कॉमन लिया तो आपने क्या किया? थ्री एक्स अपान थ्री प्लस थ्री अपान थ्री, ठीक है ना? तो थ्री थ्री कैंसिल हो गया, थ्री थ्री कैंसिल हुआ तो एक्स प्लस वन, ऐसे हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस वन। वैसे इसमें जब हमने आर कॉमन लिया स्क्वायर लगा तो आर स्क्वायर बाहर निकला और आर अपान आर किया, आर अपान आर किया तब से वन बचा। यहाँ भी एच अपान आर करें क्या करेंगे? एच अपान आर करें। जरूरी नहीं थ्री एक्स प्लस थ्री लिखा इसमें आप थ्री कॉमन लो, यदि आप इसमें एक्स कॉमन लेना चाहते हो तो एक्स कॉमन ले सकते हो। तो क्या क्या आएगा? तो थ्री प्लस थ्री अपान एक्स, ठीक है ना? वही काम यहाँ पे किया। तो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी डैश इक्वल आया, जी डैश इक्वल आया जी जी अपान वन प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? इसमें है क्या कि h की वैल्यू जब ग्रेटर देन r बाय टू से तब हम ये फार्मूला यूज करें। r क्या रेडियस है, रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर, कितना? 6400 किलोमीटर, ठीक है ना? यदि यहां ध्यान दीजिएगा h इज ग्रेटर देन, ये फार्मूला कब यूज करेंगे? h इज ग्रेटर देन r बाय टू, मींस जब भी h की वैल्यू
3200 से अबव दी जाए, आर का मतलब 3200, आर का मतलब 6400 किलोमीटर, और 64 का आप कर देंगे 32 बचेगा। यदि एच की वैल्यू 6400 से अबव दी जाए तो हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का हाइट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। और क्या सर ये क्या बोले कि ऐसे कम होगा तो क्या करेंगे, ऐसे कम होगा तो आपने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, ये हम लोगों को मैथ में पढ़ाया जाता है 11th मैथ, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम इसको हिंदी में बोलते हैं दीपक प्रमेय, ठीक है ना, दुखद प्रमेय, ठीक है ना। ये थी क्या दीपक प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, ये जी लिखा था, इसको ऊपर उठा के ले जाओ तो करेगा 1+H/r^-2 कितना जाएगा -2, इसको उठा के अंदर रख दो तो g डैश इक्वल टू g 1 - 2h/r, ये क्या है बच्चा, ये तो बाइनोमियल थ्योरम है क्या, लिखो 1+x^-n लिखा हो तो 1 - nx से लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 - nx, ये बाइनोमियल थ्योरम है दीपक प्रमेय, यही तो g डैश इक्वल टू g 1 - 2h/r, ठीक है। तो बच्चा देखिए एग्जाम टाइम पे आपको पढ़ रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कांड होने के, तो इसके लिए हमने इस वीडियो को बनाया, ठीक है ना, कि आपको ये एक ग्लांस में सारा चैप्टर कंप्लीट करवा है, ठीक है ना। तो ये है ध्यान दिया, और कोई भी स्टेप हम हटा नहीं रहे, सारा का सारा तो बता रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि एच की वैल्यू लेस देन हो या इक्वल टू हो r/2 से तब हम यूज करें, लेस देन हो या इक्वल टू किससे r/2 से तब हम ये यूज करें, ठीक है ना। तो r की वैल्यू क्या 6400 किलोमीटर, अभी क्या क्यों यूज करते हैं इसका रीजन समझिए, r वैल्यू कितना 6400 किलोमीटर, उसका आधा कर दिया 3200 किलोमीटर, तो यहाँ रख दिया 3200 किलोमीटर, 32 × 2 कितना हुआ 6400 किलोमीटर, तो r वैल्यू 64 कैंसिल, 1 - 1 0 आएगा। यदि आपसे पूछा जाए कितनी हाइट पे चले जाए तो वहां पर ग्रेविटी 0 हो जाएगी, तो कितना 32 किलोमीटर। अब बोले सर अगर इससे ऊपर चले जाए तो क्या होगा, अरे भैया एक आपने ये लिया, एक आपने ये पार्टिकल लिया, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, मैग्नेट समझाता है, इसका एरिया यहां तक है, जब यहां तक जाएंगे तो ये आयरन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि यहां तक जाएंगे तो भी आयरन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहां तक जाएंगे तो भी आयरन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहां तक जाएंगे तो भी आयरन कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब बोलेगा अगर हम सर इसके आगे चले जाए तो क्या होगा, अरे ये अट्रैक्ट नहीं करेगा दूसरा तो अट्रैक्ट करेगा ना भाई, यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं तो दूसरा प्लैनेट अट्रैक्ट करेगा, ये नहीं दूसरा, सही, ठीक है ना। तो ये हम क्यों बता रहे हैं समझेगा, क्योंकि यदि h की वैल्यू यहाँ पे मान लो 6400 रख दिया, कितना रख दिया 6400, तो 6400 कैंसिल तो 1 - 2 करेंगे दिया आएगा माइनस में, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन माइनस में नहीं होगा, एक्सीलरेशन माइनस में होता है, आपने एक्सीलरेशन पढ़ा है और एक्सीलरेशन का पढ़ा रिटार्डेशन, त्वरण और अवत्वरण, ठीक है ना, ये माइनस में होता है लेकिन कभी भी एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण माइनस में नहीं होता, तो माइनस में नहीं होता तो यहां माइनस कैसे जाएगा, जैसे ये आए एच की वैल्यू ग्रेटर हो तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज, बात समझ में, बात समझ में आई। तो डेप्थ के लिए बात करते हैं, अभी तो हाइट के लिए बात करेंगे, यदि हम डेप्थ के लिए बात करें तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू डेप्थ, बच्चा समझे इधर, ये अर्थ है क्या, अर्थ अर्थ की रेडियस आर, हमने क्या बोला कि अर्थ के अंदर घुस रहे हैं सुरंग करके घुस रहे हैं, जैसे तलगर में हम पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना, हम लोग पर अर्थ है और नीचे क्या अंडरग्राउंड, लेकिन एक ही रूम अंडरग्राउंड में, यदि बहुत ऊंची जाए कम से कम 1 किलोमीटर तक, ठीक, तो इफेक्ट पड़ने लगेगा, क्या इफेक्ट पड़ता है,
देखो यहाँ पर कैपिटल एक्सेलरेशन कितना है जी एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस। अब बोले डी डेप्थ में कितना है, बच्चा बोल दिया जी डेप्थ कितना है और अर्थ का मास सबको पता है क्या होता है एम, लेकिन सेंट्रल मास क्या होता है बताएं कि जीरो होता है, क्या होता है जीरो। अर्थ का सेंट्रल मास क्या होता है जीरो, कैसे होता है अभी डिस्कस। तो बच्चा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द अर्थ सरफेस जी कम जी एम अपान आर, एम क्या अर्थ वाला है एम ई है क्या ये एम ई एम ई है और आर क्या है आर ई है क्या है आर ई, लेकिन हम लोग लिख ऐसे लेते हैं। अब आगे बढ़ाते हैं, देखो बच्चा मास इक्वल क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जब हम अर्थ के अंदर जाएंगे अर्थ केस्ट में जाएंगे, जब लोग अर्थ केस्ट में जाते हैं अर्थ के अंदर जाते हैं सुरंग बना के, इसका मतलब है ऊपर की अर्थ जो मिट्टी थी उसको हटा दिया और हटा के स्पेस में फेंक दिया हम ये मानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें बायलोम निकालना पड़ेगा, अर्थ कैसे गोल है तो इसका बायलोम क्या है गोले का 4/3 पाई आर क्यू रो, क्यू बोलता है जिस स्थिति का बायलोम फाइंड करते हैं तो क्यूब लेते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर है ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर एल, तो तीन डिस्टेंस होंगी तभी क्यूब फाइंड होता है, एल बी एच फाइंड करते हैं तीन डिस्टेंस होते हैं ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इक्वल जी एम की वैल्यू 4/3 आर क्यूब रो अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल बच्चा अच्छा। तो जी डैश इक्वल टू 4/3 जी पाई आर रो आर रो। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलो, किसी कोई दुख कोई प्रॉब्लम कोई कष्ट ठीक है ना, बात समझ में आया। तो बच्चा देखिए अब क्या क्या बोले कि डी डेप्थ पहुंचे ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट डी स्मॉल डी लिख दे रहा है डी डेप्थ, डी डेप्थ डेप्थ मीन्स क्या होता है गहराई पर, डी गहराई पर जी की वैल्यू क्या है। तो आप क्या बोले कि बोले जी डैश मान लो, क्या मान लो जी डैश 4/3 पाई सब कुछ यही जाएगा कैपिटल जी। अब आर जगह क्या लेंगे आर कम होगी कितनी डी, तो आर माइनस डी बोलो इनटू रो रो, क्या बात समझ में बोले बात समझ में आई नहीं आई, यदि समझ में आया तो बच्चा ध्यान से समझेगा, जैसे उसमें सेकेंड से फर्स्ट को डिवाइड कराया था वैसे इसमें भी सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कराया। तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखा सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट जी डैश अपान जी कर 4/3 पाई कैपिटल जी आर माइनस डी इंटू रो अपान 4/3 पाई जी और क्या बचा आर रो, ये पूरा पूरा कैंसिल रो से रो कैंसिल, तो जी डैश जी को भेजा ऊपर आर माइनस डी अपान आर अपान आर, जैसे उसमें कॉमन लिया था वैसे बच्चा इसमें कॉमन लिया आर, आर कॉमन लिया 1 डी डी अपान आर अपान आर, आर से आर कैंसिल, जब आर से आर कैंसिल बच्चा तो जी डैश इक्वल क्या आया जी 1 डी डी अपान आर। ये डेप्थ के लिए आया, किसके लिए आया और ये डेप्थ के लिए किसके लिए ये डेप्थ के लिए, और हम लोगों ने फाइंड किसके लिए किया था एच हाइट के लिए, तो 1 2h अपान आर
ती बात समझा रहे कुछ क्या कि हाइट जाएंगे तो दोगुने टाइम से कट डिक्रीज होती है और टेप जाएंगे तो बन टाइम से। अब हमने बताया था कि सेंटर पे कितना हो जाएगा, मतलब खोद के आप सेंटर पहुंच गए, अर्थ को खोदते खोदते सरल बनाते बनाते आप कहां पहुंचे बच्चा, सेंटर पहुंचे। जब जैसे ही सेंटर पहुंचे तो डी किसका काम करेगा, आर का, पूरा कोड डालो तुमने ठीक है ना, तो आर से आर कैंसिल, तो वन माइनस वन क्या आएगा जीरो, तो गेट एक्सीलरेशन क्या होगा जीरो, तो अर्थ जब सेंटर पहुंचेंगे तो उड़ेंगे ठीक है ना। जैसे एकदम 3200 किलोमीटर पहुंच जाएंगे अर्थ के तो वहां भी जीरो होगा कैपिटल, वहां भी हम लोग उड़ेंगे हनुमान जी बन जाएंगे ठीक है ना, तो वहां पर चलना नहीं पड़ेगा पर उसे उड़ने से काम चलता है। और जब अर्थ सरफेस पे पहुंचेंगे अर्थ के सेंटर पे तो वहां भी उड़ेंगे, बड़ी सुरंग बना लो बड़ा सा घर बना नीचे जाके ठीक है ना, तो उसमें उड़ेंगे ऐसे आराम से तैरेंगे। हनुमान जी यही करते थे, हनुमान जी के पास ऐसी टेक्निक थी, तो जब चलते तो अपने ग्रेविटी खत्म कर देते थे। कुछ होगा वो सब साइंटिस्ट थे बहुत बड़े वाले ठीक है ना, तो उन्होंने खत्म कर दिया ग्रेविटी अपने पर खत्म कर, उड़ने लगे तुम्हें भी ग्रेविटी खत्म करनी है तो तुम भी उड़ने लगोगे ठीक है ना, हनुमान जी बन जाओगे चलने ठीक है ना। तो बच्चा अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक किसका, हम लोगों ने डेप्थ के लिए पढ़ा, हाइट के लिए पढ़ा, अब अर्थ के रोटेशन के कारण ड्यू टू रोटेशन। देखिए बच्चा लास्ट बचा है अर्थ के रोटेशन के कारण ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है, इसका हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, डेरिवेशन देखना तो हमारे अदर वीडियो जाइए आपको डेरिवेशन मिलेगा ठीक है ना। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू चेंज इन एक्सीलरेशन। तो बच्चा रिजिकल रेडियस क्या सपोज की ठीक है ना, और चलिए हम इसको नेक्स्ट डे ही बताएंगे, आज इसको स्केप करते हैं क्योंकि सेकेंड बैच खड़ा है बाहर। बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।